वेलकम बैक टू माई चैनल। आप देख सकते हैं मेरे पीछे CRPF 171 बटालियन 11/3/2022 यहाँ पे आज प्रोग्राम होने वाली है, तो उसी को मैं आप सबको दिखाऊंगी। और चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आप सबको कि यहाँ क्या क्या। श्रीमती पीता मुखर्जी, प्रिंसिपल स्पोर्ट्स अकेडमी में आऊँ। श्री एस रोनरंग, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल में आऊँ। श्री लिकुम मुसांग, हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल म्याओ टाउन। श्री एच के वर्मा, हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अपर म्याओ। श्रीमती बिनाली गोगई, का मुख्य ध्येय यही होता है कि आप जहाँ पे पोस्टेड रहते हैं वहाँ पे अगर आम पब्लिक की कोई समस्या है तो उस समस्या को दूर करने में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके आप उसको दूर करने में प्रयास करें। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत वाटर स्टोरेज टैंक का डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें जो CRPF यहाँ पर डिप्लॉयड है, इसका उद्देश्य यही है कि हम अपने देश की सुरक्षा, अपनी जनता की सुरक्षा के साथ साथ वहाँ की जो स्थानीय जनता है उनके दुख दर्द में शामिल होकर के उनकी समस्याओं में अगर हम कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं सरकार की मदद से, वो हम लोग उसको सदैव तत्पर होकर के करते हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग। हमारे बीच मौजूद रिस्पेक्टेड DIG सर, रिस्पेक्टेड कमांडेंट 171 बटालियन CRPF, अदर ऑफिसर्स ऑफ दिस बटालियन, हमारे ZPM म्याओ, SDPO म्याओ, साथ ही साथ हमारे मेडिकल ऑफिसर और जितने भी HODs यहाँ मौजूद हैं, साथ ही साथ इस सिविक एक्शन प्रोग्राम के जितने भी बेनिफिशरीज हैं और हमारे प्यारे बच्चे जिन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, एक नई एनर्जी जितने भी हम बैठे हुए हैं उन सब में झोंक दी। और हमारे स्पोर्ट्स एकेडमी के प्रिंसिपल मैडम और जितने भी लोग मौजूद हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे बोलते हुए बहुत गर्व हो रहा है और खुशी हो रहा है कि इतने अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ हमारा जो यहाँ पे CRPF की कंपनी है और उनके ऑफिसर्स हैं, वो लोग सिर्फ हमारी रक्षा के लिए ही अपनी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, बल्कि जहाँ जहाँ डेवलपमेंट में कहीं कहीं गैप्स रह जाते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ की उसका प्राइमरी रोल है और प्रेरोगेटिव है डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना, एरिया को डेवलप करना, हर सेंस में एरिया को एक नई ऊंचाइयों तो पर हम तेरी गोद में पर आंचल पकड़ पाऊंगा या नहीं, दिल की तमन्ना दिल में रही, दिलदार मोहब्बत कर पाऊंगा या नहीं। ना मेरे दिल की तमन्ना पूरी हुई, ना मेरी मोहब्बत पूरी हुई, बस फिर भी जिंदगी एक चल रही है,
जैसे कि ट्रेन के जो इंजन है वो जो बोगी सब है उसको खींच के ले जा रहा हूँ। परिवार में खुश हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और मैं खुशी हूँ आज इस मंच पे आप सबके सामने खड़ा होकर दो लफ्ज बोलने चाह मिला है। और मेरे तरफ से भी मेरे जितने भी बच्चे यहाँ आज प्रोग्राम किए हैं वो सच में देखने लायक है, उन्हें हमेशा भगवान आशीर्वाद करें। हम लोग सीआरपी सुनते थे तो बहुत डरते थे, हमारा एपीपी पुलिस से पहले हम लोग सीआरपी से जान पहचान हुए। लेकिन सीआरपी मतलब क्या है, लाठी लिए हुए, बंदूक लिए हुए, हमसे इतने कद में लंबे, ऐसे भी हम लोग छोटे कद के लोग हैं, तो हम बहुत डरते थे सीआरपी से। उनका काम क्या है, मारो पीटो, इतने ही हम लोग समझते थे। तो अभी हम लोग बचपन से जहाँ हम लोग 1981-82 तब से हम लोग सीआरपी को हम लोग पहचानते हैं, सुने हैं हम लोग। आज 2022 हो गया, कितने साल हो गए, तो अभी हम लोगों को पता चला। आज जब मैं 82 में हम जब स्टूडेंट थे क्लास 2-3 के, और आज मैं 2022 में एक जेपीएम बनकर खड़ा हुआ हूँ, तो उसमें बहुत समझने का चीज़ करना चाहूँगी। The participants of Nepali Lok Nritya, that is Chanuka Pradhan and her party. Nepali dance group. Miss Chanuka Pradhan and her party. Miss Monami Borua. Miss Monami Borua, please welcome to the stage. Miss Monica Roy and her party. Miss Monica Roy and her party. Please welcome.